प्रिंस आए हुए हैं तो हम बना रहे हैं उनके लिए बिरयानी। तो आज प्रिंस के आने की खुशी में मम्मी ने बनाई है चिकन बिरयानी। और भाई मम्मी के यहाँ की बिरयानी खाए हुए 3 महीने हुए थे और मम्मी ने भाई प्रिंस के लिए बना दी है ना प्रिंस भाई। हम आर्मी को 2 साल देखो मस्त भाई प्रिंस एकदम बिरयानी। बिरयानी का नाम ही बिरयानी है। थोड़ा हिला दो ना ऐसे करके कपड़ा लोगों को देख रहे हो भाई। उसको बोलते हैं चिकन बिरयानी। चिकन लेग पीस। चटनी वटनी नहीं बनाई मम्मी कुछ? ये रही भाई हमारी चटनी और ये हमारे प्याज और ये रही हमारी पुदीने की चटनी। ये भाई हम खा लेते हैं चिकन बिरयानी। चलो भाई हम सब लोग खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आज हम लोग आ चुके हैं और अभी आप सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग। और अभी यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आई हैं, आप सबको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग मुझे जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रिंस। मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 8 में हूँ अभी मैं। और अभी मेरा फौजी में सिलेक्शन होने वाला है थोड़े दिन बाद NCC में, तो उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अभी मिलेगा तो। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले घूमने गए थे और अभी नहा के आ रहे हैं और अभी सब कोई उठ चुका है, अभी 7-8 बज रहा है कुछ। तो अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और मेरी बड़ी ने बोली थी कि जाके ब्लॉगिंग वाला फ़ोन लेके आओ, तो आज मैं ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग बताइएगा इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। तो मैं 2 साल बाद में अपनी बड़ी मम्मी से मिला हूँ और हम लोग रूम साफ़ कर लिए पूरा। कल रात हम लोग साथ ही में सोए थे और कल बहुत बिरयानी वरियानी खाए थे हम लोग, बहुत मज़ा भी आया था हम लोग कल बिरयानी खाए थे। तो बड़ी मम्मी क्या कर रही हैं, तो ये रही हमारी बड़ी मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है अभी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो प्रिंस हमारा आ चुका है। अब प्रिंस बहुत ही बड़ा हो गया है और ये देखिए हम लोग अभी नाश्ता करेंगे, खाने के लिए लेके आई है अभी। हाँ, ये लो आपके लिए है, दिखा दो दोस्त। तो आज प्रिंस ने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, आपको कैसा लगा? नहीं, तो यहाँ पे प्रिंस खा रहा है अपने फ्रूट्स और उसने बोला कि मैं दूध पीऊंगा तो दूध पी रहा है। गरम चाय। और बोल रहा है कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलें कि कैसा लगा आपको ब्लॉगिंग। तो हम और लाला जी और अंजलि चाय पिएगी, अभी लक्की लली ऊपर ही है और सब हम लोग रात को साथ में ही सोए थे और चिकन खाए थे। बहुत सारा चिकन बिरयानी खाया है। हाँ, मम्मी से पूछी क्या खाएगा तो क्या बोला प्रिंस तू? चिकन बिरयानी। हाँ, तो यहाँ पे भाई चाय पार्टी हो रही है, चाय पियेंगे सब। ललित के साथ सोया था रात को, सबके सब ऑफिस रूम में सो गए थे नीचे अपना चादर बिछा करके और बड़ा अच्छा नींद आया। तो बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि प्रिंस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, प्रिंस को आप भूल गए हो, बुलाते नहीं हो। तो क्या करें, वहाँ भी ये पढ़ाई करता है उड़ीसा में। अभी गाँव आया था, उनकी दादी की तबीयत खराब है, तो मैं बोली कि आजा प्रिंस मिलने के लिए। मेरे से पहले तो यही तैयार था, जब पहुंचा तो स्टेशन पे बोल रहा है बड़ी मम्मी आ जाऊं, स्टेशन पे आ गया हूं एक माह। हम बोले हाँ मैं आई नहीं, एक माह मैं नहीं गई। अब तो आ चुके हैं। हाँ, अब तो आ चुके हैं। तो आप लोग बहुत प्रिंस को प्यार देते हैं और बहुत मिस करते हैं, तो देखिए प्रिंस आ गया है और जब भी समय मिलेगा प्रिंस को हमारे पास आता जाता रहेगा। और प्रिंस मतलब ना क्या बताएं, पहले थोड़ा छोटा था, थोड़ा बड़ा हो गया, अब और अच्छा लग रहा है मेरे को। और पढ़ने में भी सही हो गया है प्रिंस। और क्या बोलते हैं, प्रिंस का ना क्या फौजी में सिलेक्शन हो गया है ना प्रिंस? हाँ, अभी प्रैक्टिस होगा, मतलब प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे भी हो सकता है। हाँ, उसके बाद आगे भी हो सकता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे उनको सिखाया जाएगा। तो फौजी में भर्ती होगा मेरा प्रिंस,
मेरा बेटा बनेगा फौजी। तो कितना खुशी होगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे घर में भी कोई फौजी नहीं है। फौजी एक तो है लेकिन वो हमारे जीजा जी हैं, लेकिन वो रिटायर हो गए हैं। और अगर भविष्य में बना तो प्रिंस बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगा, गर्व होगा। तो बस हमारा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो अभी नाश्ता कर रहा, मैं फट सकर चाय पी लेती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मतलब कल से ना क्या बताएं, खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख भी है कि चला जाएगा। इसको भी दुख लगेगा, प्रिंस को भी, कि चला जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है इनके पास भी, बस मिलने के लिए आ गया है। अभी कोशिश करूँगी कि दो चार दिन रुके मेरे पास। पीछे पंखा चल रहा है, आगे बेबी फ्रूट खा रही है। तो सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। आज हम लेट ही उठे, कल पूरे दिन काम किए थे तो इतना थकान हो गया था कि पूछिए मत। अभी आंखें मेरी देखिए सूजी सूजी लग रही है, ये देखिए। तो चाय थोड़ा पी के फ्रेश हो जाऊंगी, इसके बाद खाना बनेगा। अब आज देखते हैं प्रिंस क्या खाता है। आज भी कुछ सोच रही हूँ कि प्रिंस का फेवरेट ही बना दूँ, शाही पनीर। ये ना सब फेवरेट फेवरेट डिश बताता है, शाही पनीर खाएगा और क्या खाएगा, बस यही दो तो जो है अच्छा चीज़ है, जो अच्छा चीज़ है खाने के लिए। नहीं तो मोमोज बना दीजिए, मोमोज बना दीजिए। ललित भैया बना देंगे वो तो। हाँ वो तो ललित भैया बना देंगे। देख रहे हैं चुनिंदा सामान बता रहा है, कुछ काम करेंगे। हाँ चुनिंदा स्पेशल आदमी है ललित भैया। हाँ ललित भैया इनके स्पेशल आदमी है भाई। तो फिर मिलते हैं, बातें होगी आप लोगों से खूब सारा, क्योंकि आप लोग तो प्रिंस को पूरे साल इतना मिस किए हो, इतना मिस किए हो पूछो मत। और हमें याद भी दिला दिए हो कि प्रिंस को गए इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया, क्यों नहीं बुला रहे हैं। एक साल हो गया, एक साल छः महीना हो गया, एक साल तीन महीना हो गया। कितना लोग तो भाई बोल रहे थे कि प्रिंस को मैं अपने घर का जमाई बनाऊंगा। तभी प्रिंस पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा तभी ना। अभी तो जमाई बनाने लायक दो तैयार हैं। अगर आप लोगों को जमाई बनाना होगा तो ये छोटे दूल्हा बना देंगे हम। बताइएगा, ये सब वालिया बन के जाएंगे। तो अभी प्रिंस को बहुत मेहनत करना है। ये यहाँ पे ये टमाटर का पेड़ है यहाँ पे, और ये अमरूद का पेड़ है, ये बहुत बड़ा हो चुका है अभी टाइम पे, बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है। इसमें एक फल फल फलता है जो खाने में खट्टा मीठा सब लगता है, खा सकते हैं। पर इसका इसका एक बीज, इसका चटनी बना के भी खाया जाता है। ये रहा हमारा मंदिर है यहाँ पे, और इसका काम अभी चलेगा ही थोड़ी देर में, इनकम्प्लीट है अभी, कंप्लीट होगा तो अभी ऊपर चलते हैं। ललित भैया को बुला लेते हैं। भैया जी आपको बुलाया जा रहा है, बड़ी में बुलाइए आपको नाश्ता करने के लिए। बाहर में कुछ ज़्यादा ही धूप हो रहा है, और यहाँ पे बड़े पापा भी बैठे हुए हैं नहा धोवा के, अभी पर तभी पसीना ही निकल रहा है। और यहाँ पे बड़ी में कुछ बरबट्टी छील रही है, यहाँ पे बरबट्टी छील रही हूँ। आज प्रिंस को बरबट्टी खिलाऊंगी, बैंगन और वो आलू का सब्जी खिलाऊंगी, हरा सब्जी। शाम को हो सकेगा तो शाही पनीर बनाएंगे। कभी अच्छा तो कभी कुछ और सब्जी, हेल्दी चीज भी खाना चाहिए। तो आज सुबह से प्रिंस, देखो बड़े पापा कट रहे ना तो पटना नहीं, तो आज सुबह से प्रिंस ब्लॉगिंग कर रहा है, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। तो प्रिंस ना गांव में यहाँ पे आया हुआ है, अभी तो दादी को लेके आया है। दादी इनकी उड़ीसा में ही रहती थी, तो अभी उनका तबीयत ज्यादा खराब हो गया है, तो गांव लेके आया हुआ है, दादी के साथ भी आया हुआ है, वो भी दिखाएंगे जरूर। हाँ, और किचन में बैगन और दौरी की सब्जी बना रही हूँ, प्रिंस आपको दिखाएगा कैसा बन रहा है। तो आइए दिखा देते आपको। तो यहाँ पे लक्की भैया हमारे सब्जी बना रहे हैं। यो यो ब्रो, सब्जी चला रहे हैं भाई, बनाया तो किसी और नहीं है। तो भाई देखो कितनी गर्मी हो रखी है दोपहर का समय, और मम्मी खाना बना रही थी, और खाना बनाते ही बनाते मम्मी से मिलवाने के लिए दो तीन भैया आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो है सब, मतलब आसान नहीं है कोई भी, किसी का भी लाइफ आसान नहीं है, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है।
तो मैं आप लोगों को एक दोस्त से मिलवा रही हूँ जो कि ये रहती है गोरखपुर में, और उनके इनके इंस्टाग्राम फ्रेंड हैं जिनको ये भेजी है कि हमसे बात करवा दें। भैया आपने अपना नाम नहीं बताया। रवि। रवि, अच्छा। हाँ हाँ, तो आर्मी में है भैया। हाँ। और उनकी फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड। क्यों है उड़ भाई, प्रिंस या जा रहा है? हाँ नहीं, वो जा रहा है। नहीं जाएगा वो, देख उसको, तो उधर उधर वो बैठा हुआ है, जाने को तैयार है। इधर ये नहा के तैयार है उसको लेके जाने को। भाई सब खा पी के सो गए थे, सबने थोड़ी थोड़ी नींद ले ली, प्रिंस भी, हम सभी दिन ही सोए हुए थे। अभी लक्की सोया ही हुआ है, और मौसी का फोन आ रहा है कि भाई भेजो, वहाँ पे कुछ काम है, इसकी बुआ भी आ रही है और इसकी दादी का भी थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, तब ये जा रहा है। इसका मन तो है नहीं, मना प्रिंस तो आपके जबरदस्ती भेज रहे तेरे को, रुक फिर। दोस्तों क्या बताएं, प्रिंस जा भी रहा, आया भी और जा भी रहा है, रुक नहीं रहा है, क्योंकि इसकी दादी का तबीयत खराब है, इसकी बुआ भी आ जा रही हैं, और दो तीन दिन के बाद फिर चला भी जाएगा उड़ीसा, तो इसीलिए जा रहा। तो अभी ललित जाएगा छोड़ने, इसकी मम्मी बार बार कॉल कर रही है, तो जाएगा छोड़ने, और देखते हैं फिर कब आता है तो रहता है। प्रिंस का भी मन नहीं है जाने का, लेकिन क्या करेगा, जा रहा है क्योंकि ज़रूरत है घर पे, इसीलिए। तो अच्छा लग रहा था, प्रिंस आया था तो अब जा रहा है, जाते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट रखी हूँ, वो शॉर्ट पहनेगा फिर जाएगा अपने घर। पैंट नहीं खरीदी हूँ, शॉर्ट खरीदी हूँ। प्रिंस से मैं बोली कि जा रहा है तो वीडियो बना ले अपना, कि दोस्तों मैं जा रहा हूँ, तो बोल रहा मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, तो वीडियो क्या बनाऊँ।